हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। फ्रेंड्स, मैं जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो में ना तो आप कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, सिर्फ एक दो मिनट देखते हो और चले जाते हो। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप पूरा वीडियो देखा करो, वरना आप वीडियो खोला ही मत करो। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, आपको समझ में कैसे आएगा कॉन्सेप्ट की कैसे क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश सीखना है तो किसी भी एक चैनल को, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ही चैनल देखो, किसी भी एक चैनल को आप फिक्स कर लो कि यही चैनल मुझे देखना है और सीरियल वाइज से सीखते रहना स्टेप बाय स्टेप। तो उसको आप सब्सक्राइब करो चैनल को, फिर जो भी वीडियोज़ आते हैं उसको पूरा का पूरा देखो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जो एक स्ट्रक्चर बताता हूँ और उससे मैं काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना के बताता हूँ आपको, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस मैं होमवर्क के लिए भी देता हूँ आपको, मीन्स प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो ये वे कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप कमेंट करके बताया कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं हम पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे, अगर आपने सेंटेंसेस बनाए हैं तो आप इनसे मैच कर लीजिए, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं उसको आप सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मे। मे वैसे मैंने पढ़ा दिया है, मे पिछली क्लास में मैंने मे का यूज़ बताया था कि मे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मे संभावना में, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, एंड मे का जो इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट के लिए, वो सब बताया था मैंने आपको। बट मे का एक अलग भी इस्तेमाल होता है जिसमें संभावना के साथ हम जैसे बोलते हैं कि आपको कल आना पड़ सकता है, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आपको कल आना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं, कल आपको आना पड़ सकता है और नहीं भी आना पड़ सकता है। तो पड़ सकता है, इसमें संभावना के साथ पड़ना यानी कि पड़ सकता है आएगा। जैसे आपको दवाई खानी पड़ सकती है, उसको मुंबई जाना पड़ सकता है, आपको नदी में नहाना पड़ सकता है, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो उसको हम कैसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। आप एक दिन में एक ही स्ट्रक्चर सीखो ये बहुत है। आप एक महीने में अगर आप 50 वीडियो देखते हैं और सीखा कुछ नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आप एक दिन में एक स्ट्रक्चर सीखते हो और उससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेज आप प्रैक्टिस करते हो तो इंग्लिश सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा वे है। आइए, आप ये मत समझना कि एक दिन में एक स्ट्रक्चर सीखेंगे फिर कितना महीने साल लग जाएंगे तब तो सीखने में, लगने दो ना साल। आप 15 साल स्कूल में बर्बाद किए आप इंग्लिश सीखे, नहीं सीखे। आप यहाँ पर पाँच छः महीना सिर्फ ऐसा देखो, इंग्लिश बोलने लग जाओगे 5-6 महीने में। ओके फ्रेंड्स, 2 महीने में, 3 महीने में, या 10 दिन में, 1 हफ्ते में, आप सोचने की कभी मत सोचो। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। मे हैव टू, तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती है, तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती है, तो यू मे हैव टू टेक मेडिसिन। उसे मुंबई जाना पड़ सकता है, तो ही में, मे सबके साथ लगाना है और उसके बाद हैव टू लगाना है। ओके फ्रेंड्स, हैव टू, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ही मे हैव टू गो टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आप एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि हाँ, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उसको हम ऐसे बनाते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस आप बोलना शुरू कीजिए, क्रिएट कीजिए और उसको इंग्लिश में बनाना शुरू कीजिए। फिर क्या होगा कि इस तरह के वाक्य जब भी आपके जहन में आएंगे उसका इंग्लिश अपने आप खुद व खुद निकल जाएगा, आपको दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तुम्हें कल मेरे घर आना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कम टू माई हाउस टुमारो। उन लोगों को मैच खेलना पड़ सकता है, दे मे हैव टू प्ले मैच। आपको नदी पार करनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू क्रॉस द रिवर। मुझे नदी में नहाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू बाथ इन द रिवर। तुम्हें नदी में तैरना पड़ सकता है, यू मे हैव टू स्विम इन द रिवर। आपको सब्जी खरीदनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू बाई वेजिटेबल। उसे गीत गाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें डांस करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू डांस। उन लोगों को यहाँ ठहरना पड़ सकता है, दे मे हैव टू स्टे हियर। आपको मेरे साथ ठहरना पड़ सकता है,
यू मे हैव टू स्टे विथ मी। तुम्हारे पिताजी को कार खरीदनी पड़ सकती है। योर फादर मे हैव टू बाई अ कार। तुम्हें बाइक खरीदना पड़ सकता है। यू मे हैव टू बाई बाइक। मुझे बंदूक लेना पड़ सकता है। आई मे हैव टू टेक अ गन। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस आप खुद भी क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इजी वे है। आपको मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि एक स्ट्रक्चर सीखो और उससे हज़ारों सेंटेंस क्रिएट करो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक एक चीज़ आप अगर सीखते रहेंगे तो आप देखना एक महीने के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, अगर मेरे बताए वे से आप चलते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।